नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत की करेंगे। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे की करेंगे और बताएंगे कि इस दौरे के जरिए कैसे बुंदेलखंड और बिलासपुर संभाग को साधने की कोशिश की गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों अब की बार बीजेपी को इस यात्रा में केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतारनी पड़ी। रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। रायगढ़ बिलासपुर संभाग का हिस्सा है और छत्तीसगढ़ की सियासत में ये कहा जाता है कि बिलासपुर संभाग से ही सत्ता की राह निकलती है। ये रिपोर्ट आप देखिए। यहाँ भाजपा की सरकार बनना आवश्यक है। 70 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए। इस बार पीएम मोदी रायगढ़ आए। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। दरअसल रायगढ़ उसी बिलासपुर संभाग का हिस्सा है जहां 2018 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और 15 साल छत्तीसगढ़ की सत्ता में रही बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट गई थी। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले बिलासपुर संभाग के सियासी समीकरण पर नजर डालते हैं। बिलासपुर संभाग में 8 जिले और 24 विधानसभा सीटें हैं। 24 सीटों में 6 एसटी और 4 एससी के लिए रिजर्व है। 2018 में कांग्रेस को यहाँ 12 सीटें मिली थी जो की अब 13 हो चुकी है, जबकि बीजेपी को 7 सीटें मिली थी। वहीं 2018 में जोगी कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी जो अब 1 बची है और बीएसपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। दरअसल मरवाही उपचुनाव के बाद कांग्रेस की सीटें बढ़कर यहां 13 हो गई थी। बिलासपुर संभाग में एसटी के लिए आरक्षित 6 सीटों में 5 कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के पास है। बिलासपुर संभाग की 4 लोकसभा सीटों में 1 कोरबा कांग्रेस के पास है। वहीं बिलासपुर संभाग में बीएसपी का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। तो बिलासपुर के समीकरण बता रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए इतना अहम संभाग क्यों है। दरअसल बस्तर और सरगुजा संभाग को मिलाकर 26 सीटें हैं, लेकिन अकेले बिलासपुर संभाग में छत्तीसगढ़ की 90 में से 24 सीटें आती हैं। यही वजह है कि रायगढ़ की जनसभा में पीएम यहां अपने अंदाज में विपक्ष को निशाने पर लिया। एक समय था जब छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सली हमलों और हिंसा से ही हुआ करती थी। सरकार के प्रयासों के बाद आज छत्तीसगढ़ की पहचान यहां के विकास कार्यों की वजह से हो रही है। मेरे परिवारजनों, दिल्ली की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इतना ही नहीं, बिलासपुर संभाग से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए जनता से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने की अपील भी की। यहां कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार केंद्र के काम में रोड़े अटकाने वाली सरकार रहेगी तो छत्तीसगढ़ को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं को यहीं पर बेहतर रोजगार मिले, छत्तीसगढ़ निवेश आकर्षित करने में अग्रणी हो, इसके लिए यहां भाजपा की सरकार बनना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायगढ़ दौरा विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर बेहद अहम है। दरअसल स्टार प्रचारकों के जरिए बीजेपी रायगढ़ सभी 5 सीटों पर नजर लगाए है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले रायगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों पर 2018 में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था, जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। जहां पे रायगढ़ में ये सभा हुई वो बिलासपुर संभाग में आता है और 24
सीटें यहाँ पे हैं जिसमें भाजपा की स्थिति अन्य संभागों से यहाँ बेहतर है, क्योंकि 24 में से 13 कांग्रेस के पास है तो 7 भाजपा के पास है, और दो दो सीटें 2018 में हम देखें तो ये जोगी कांग्रेस और बसपा के पास भी रही है। तो ऐसी स्थिति में ये अनुसूचित जाति जनजाति सभी वर्गों का यहाँ पे समावेश है, और देखना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर या मोदी का जादू कितना असर करता है। रायगढ़ के जरिए बिलासपुर संभाग की 24 सीटें और बिलासपुर संभाग के रास्ते पूरे छत्तीसगढ़ पर बीजेपी आलाकमान की नजर है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र भाई मोदी जी जब जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं तब जनता को भी लाभ होता है और भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ होता है। रायपुर में जब उनकी सभा हुई थी, आंधी तूफान चल रहा था, लगातार रात भर बारिश हो रही थी और मैदान भी कीचड़ युक्त हो गया था, उसके बाद भी लाखों की भीड़ जुटी थी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आए थे छत्तीसगढ़ की जनता के भले के लिए नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता का यदि उनको भला होता, छत्तीसगढ़ की जनता का ख्याल होता तो छत्तीसगढ़ से जो ट्रेनें बंद है उसके बारे में कुछ बोलते, छत्तीसगढ़ के किसानों का जो उन्होंने चावल देने से कोटा घटाया उसके बारे में बात करते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 4 बार के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद पीएम मोदी की सभा छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए बेहद खास मानी जा रही है। इतना ही नहीं, बिलासपुर संभाग में ही 28 सितंबर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और सभा प्रस्तावित है। इस दौरान पीएम मोदी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शिरकत कर सकते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि बिलासपुर संभाग और पीएम मोदी को कैसे छत्तीसगढ़ बीजेपी अपने लिए संजीवनी की तरह देख रही है। बिलासपुर संभाग के रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा करके एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की जनता से अपील की है कि जिस तरीके से केंद्र में भाजपा की सरकार है वैसी ही सरकार छत्तीसगढ़ में भी बननी चाहिए। दरअसल रायगढ़ दौरा इसलिए खास होता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की 24 विधानसभा सीटें बिलासपुर संभाग में है, 13 कांग्रेस के पास है। ऐसे में बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि ज्यादातर सीटों पर अपनी पकड़ बनाई जाए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायगढ़ दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया और इसके साथ ही बुंदेलखंड में बीजेपी के चुनावी अभियान को धार भी दे दी। बुंदेलखंड की ये धरती वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है। इस भूमि को बीना और बेतवा दोनों का आशीर्वाद मिला हुआ। जी हाँ, बुंदेलखंड की धरती चुनावी साल में फिर सियासत के केंद्र में है। वीरों की इस धरती में चुनावी साल में सियासी दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। खेती के लिए बुंदेलखंड की धरती को बेशक बंजर माना जाता हो, लेकिन सियासी फसल काटने के लिए ये बेहद उपजाऊ है। अब जब चुनाव है तो कांग्रेस बीजेपी की सक्रियता एक बार फिर बुंदेलखंड की धरती पर बढ़ गई है। आगे बढ़ने से पहले बुंदेलखंड के सियासी समीकरण पर नजर डाल लेते हैं। बुंदेलखंड में विधानसभा की 26 सीटें हैं। 2018 में यहां बीजेपी को 17 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी और एसपी के खाते में एक एक सीट आई थी। 2013 में बीजेपी को 22 और कांग्रेस को यहां 4 सीटें मिली थी। बुंदेलखंड में 22% से ज्यादा दलित वोटर हैं। बुंदेलखंड की 26 में से 15 सीटों पर दलित गेम चेंजर हैं। मौजूदा शिवराज कैबिनेट में बुंदेलखंड से 3 मंत्री भी शामिल हैं। तो आंकड़े बता रहे हैं कि बुंदेलखंड में फिलहाल बीजेपी की स्थिति अच्छी है और कांग्रेस का जनाधार यहां सिमटा है। लेकिन 2013 के मुकाबले 2018 के चुनाव नतीजों को देखें तो बीजेपी का भी जनाधार यहां खिसका है। यही वजह है कि बीजेपी अब की बार यहां पूरी ताकत लगा रही है। पीएम के बीना दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर आए थे, जहां उन्होंने संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी थी। दरअसल बुंदेलखंड में पीएम के कार्यक्रम को दलितों के लिए आरक्षित 35 सीटों सहित उनके प्रभाव वाली प्रदेश की 54 सीटों तक संगठन की पहुंच बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। बुंदेलखंड की 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी,
20 लाख एकड़ जमीन में पूरा बुंदेलखंड बदल जाएगा। अरे कांग्रेस ने कभी इतनी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? ऐसा नहीं जोर से बोल के बताओ, की थी क्या? क्या किया कांग्रेस ने? और बीना वालों, बीना नदी कॉम्प्लेक्स 3,300 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजना है। मुझे कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेजों ने केवल 7.5 लाख हेक्टर में सिंचाई की थी, वो बढ़ के हो गई है 47 लाख हेक्टर। बुंदेलखंड में बारिश कम होती है, लिहाजा यहाँ सूखे का प्रकोप सबसे ज्यादा रहता है। यही वजह है कि विकास की दौड़ में बुंदेलखंड को काफी पीछे माना जाता है। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे उम्मीदें हैं कि ये बुंदेलखंड को विकास की मुख्य धारा में जोड़ेंगी। मसलन पीएम ने 50,000 करोड़ की बीना रिफाइनरी के विस्तारीकरण का भूमि पूजन किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम जारी है जिससे यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। केंद्र सरकार पहले ही केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दे चुकी है। ओरछा में राजा राम के मंदिर को नए सिरे से सवारा जा रहा है। 100 करोड़ की लागत से सागर में संत रविदास का भव्य मंदिर बन रहा है। इस पूरे इलाके में 26 सीट्स आती हैं, उसमें से पिछले चुनाव में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म करते हुए 17 सीट जीती है। कांग्रेस को केवल 7 मिली, एक एसपी बीएसपी को मिली। कांग्रेस का भी फोकस उस रीजन पर है क्योंकि उन्हें वहां पोटेंशियल दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी रिटेन करना चाहती, इसलिए चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे हो या प्रधानमंत्री मोदी के दो दो दौरे जिसमें रोजगार के साधन की बात हो, साथ ही इरिगेशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम की बात हो, दोनों पार्टी इस इलाके को विशेष फोकस कर रही हैं जिससे कि आगामी विधानसभा चुनाव में वहां के वोटर्स को आकर्षित किया जा सके। तो बुंदेलखंड कई मायनों में अहम है। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड की हलचल से संदेश उत्तर प्रदेश तक भी जाता है। यही वजह है कि एमपी के बाकी अंचलों से छोटा होने के बावजूद कांग्रेस बीजेपी के लिए बुंदेलखंड की बड़ी अहमियत है। और इसलिए जब 12 अगस्त को प्रधानमंत्री बुंदेलखंड के सागर आए और संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी, तो इसके ठीक 10 दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पहुंच गए और उन्होंने कांग्रेस सरकार बनने पर यहां संत रविदास यूनिवर्सिटी बनाने का वादा कर दिया। तो इस पॉलिटिकल एक्टिविटी और माइलेज की रेस से समझा जा सकता है कि बुंदेलखंड कांग्रेस बीजेपी के इतने फोकस में क्यों है। देखिए, बुंदेलखंड काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ था। नरेंद्र मोदी का एक सोच है, प्रधानमंत्री जी का, कि देश जिस तरह से आखिरी छोर तक व्यक्ति के प्रगति होना चाहिए, उस प्रगति में बुंदेलखंड के विकास एक अद्वितीय पत्थर के मील का पत्थर साबित होगा। एक तो मैं ये बता दूं आपको कि जो है ना, ये सबसे बड़ी झूठ बोल के गए हैं कि इनने सौगात दी है। सौगात दी है वो पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में 1995 में, इसका वो किया था उद्घाटन, और मनमोहन सिंह जी के द्वारा फिर इसका उद्घाटन किया गया। ये योजना जो वो लेके आए थे पीवी नरसिम्हा राव जी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे से बुंदेलखंड की 26 सीटों के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में संदेश जाएगा, क्योंकि बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो यहां के राजनीतिक परिस्थितियों को भी काफी प्रभावित करती है। मध्य प्रदेश की सियासत में चंबल और मालवा की तरह बुंदेलखंड की भी अहम भूमिका है। पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, सागर ऐसे जिले हैं जहां अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या लगभग 22% है और 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अंचल को एक बड़ी सौगात दे चुके हैं जो यहां रोजगार के साधन और संसाधन उपलब्ध कराएगा। लेकिन इस अंचल की सियासत कैसे और कब शुरू हुई, इसके पीछे भी कांग्रेस ही मुख्य भूमिका में रही है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा अपने पड़ाव पर आगे बढ़ रही है, लेकिन अब की बार इस यात्रा में केंद्रीय मंत्रियों की फौज ने इसे और दिलचस्प बना दिया है। केंद्रीय मंत्री यात्रा के जरिए आक्रामक तरीके से कांग्रेस पर हमले बोल रहे हैं। एमपी में जन आशीर्वाद यात्रा का शोर, यात्रा में केंद्रीय मंत्रियों ने लगाया जोर।
जी हाँ, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। 5 अलग अलग क्षेत्रों से शुरू हुई यात्रा अब तक मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग को कवर कर चुकी है। हालांकि चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पहले भी ऐसी यात्राएं निकाली है, लेकिन इस बार यात्रा का कलेवर बदला लग रहा है। दरअसल इस बार जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित पूरा संगठन तो जुटा ही हुआ है, वहीं केंद्रीय मंत्रियों की फौज ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जन आशीर्वाद यात्रा में हर रोज कोई न कोई केंद्रीय मंत्री शिरकत कर रोड शो या जनसभा कर रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में अब तक शामिल हुए केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो इनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग सिंह ठाकुर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और पीयूष गोयल जैसे केंद्रीय मंत्री शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के तमाम बड़े स्टार प्रचारक और बड़े बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में चल रही जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंच रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है, उससे बीजेपी के कैंपेन को जहां धार मिलती दिख रही है, वहीं जन आशीर्वाद यात्रा के शोर और चमक कांग्रेस का कैंपेन फीका पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस ना अब तक टिकट फाइनल कर पाई है और ना ही कोई बड़ी चुनावी जनसभाएं हो रही हैं। लेकिन जब बड़ा नेता आता है तो कुछ भीड़ जुटाता है, कार्यकर्ता भी एक्टिव हो जाता है, तो वही हो रहा है। आप मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, एक ही तरह का पैटर्न है। सेंट्रल लीडर जाते हैं और लोकल लीडर होते हैं और अपना जो है रैली करते हैं। कांग्रेस का ने तो इस तरह का कोई आयोजन नहीं किया, नहीं अभी जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे तो उनका विपक्ष का है, बड़ा स्वाभाविक सा होता है। लेकिन जो सत्ताधारी दल है वो उसकी जो यात्रा होती है वो सरकारी स्वरूप की होती है और जनता को बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं होता सरकारी यात्रा में। ये तो कार्यकर्ता को बेसिकली मोबिलाइज करने की एक स्ट्रेटजी है और उसी पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ताकि कार्यकर्ता सक्रिय दिखे, उसे लगे कि पार्टी ने उसे काम दिया है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा 25 सितंबर तक चलेगी, लिहाजा हर रोज के लिए बीजेपी का डे प्लान तैयार है। आने वाले दिनों में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने वाले चेहरों की बात करें तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मतलब स्टार प्रचारकों के जरिए बीजेपी ने चुनाव से पहले माहौल बना दिया है और उसे देखते हुए फिलहाल के लिए कांग्रेस का कैंपेन बिल्कुल मध्यम दिखने लगा है। मतलब अब तक की स्थिति में चुनाव प्रचार के मामले में बीजेपी कांग्रेस पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जन आशीर्वाद यात्रा में जनता का हमें समर्थन भी मिल रहा है और आशीर्वाद भी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में बनने वाली है, डबल इंजन की सरकार का सपना साकार होने वाला है, ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। पूरे हमारा भारतीय जनता पार्टी की, देखिए, हम काडर बेस पार्टी हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे बूथ पर काम करने वाला आम कार्यकर्ता, वो सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। तो निश्चित रूप से जन आशीर्वाद यात्रा में देश भर के हमारे चेहरे आ रहे हैं और जिनको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त अगर कोई है तो कमलनाथ जी का चेहरा है मध्य प्रदेश में। बीजेपी को जनता का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, जनता का श्राप मिल रहा है। श्राप मिल रहा है विपक्ष में बैठने के लिए जो पिछली बार मिला, तो इस बार भी वही मिल रहा है। जनता विरोध में खड़ी है, बीजेपी के नेता जगह जगह के फजीहत के शिकार हो रहे हैं, काम कुछ किया नहीं है। जनता से आशीर्वाद जबरन आशीर्वाद के रूप में मांगा जाएगा तो मिलेगा नहीं, तो यही स्थिति बीजेपी की होगी। और यह आशीर्वाद यात्रा के रूप में अंतिम यात्रा बीजेपी की सरकार की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश सत्ता से बाहर करेगी। बहरहाल चुनाव प्रचार में तो बीजेपी बाजी मारती दिखी रही है, क्षेत्र और जनता तक पहुंच की बात करें तो भी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी बड़ी लीड लेती दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा करीब 5000 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी है। विधानसभा की 230 में से 120 से ज्यादा सीटें कवर हो चुकी हैं। यात्रा 20 से ज्यादा लोकसभा सीटों तक पहुंच चुकी है। पांचों यात्राएं अब तक 31 से ज्यादा जिलों को कवर कर चुकी है। 25 सितंबर को भोपाल में इन पांचों यात्राओं का कार्यकर्ता महाकुंभ के साथ समापन होगा। तो जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रम से साफ है कि आचार संहिता लगने से पहले तक बीजेपी प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें और 230 विधानसभा सीटों तक पहुंच चुकी होगी। इसके साथ ही यात्रा के जरिए जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व को भी आगे किया गया है, उसके जरिए कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी से बचने का फॉर्मूला भी
निकाल लिया गया है। जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में लगभग 5000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। तमाम बड़े चेहरे केंद्र सरकार के आशीर्वाद यात्रा में पधार चुके हैं। एक तरफ जहां बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस जन आशीर्वाद यात्रा पर हमलावर है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और छोटे से ब्रेक लिए आप रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।